हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संध्या और आज मैं आई हूँ आपके सामने लेके ये कार्ड। आज हम बनाने वाले हैं कार्ड। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अक्सर बच्चों को शौक होता है कि हम खुद से कार्ड बना के दें। इनफैक्ट कुछ लोगों को भी शौक होता है कि वो हैंडमेड कार्ड्स ही बनाएं, और जो भी इनको रिसीव करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इट्स अ हैंडमेड कार्ड। इसमें सिर्फ कलर्स या डिजाइन नहीं होते, हमारे एफर्ट्स और हमारी फीलिंग्स भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही इजी तरीके से ईयरबड से हम ये कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर। मैंने व्हाइट पेपर लिया है, देन कलर्स, नॉर्मली हमें जो कलर चाहिए होते हैं वो। आपको मैं ईयरबड से बनाना सिखाऊंगी, ईयरबड से कैसे पेंट करते हैं। तो ईयरबड्स, एक रबर बैंड, ब्रश, पानी और प्लेट, ताकि हम उसमें कलर अच्छे से स्प्रेड कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कार्ड बनाने के लिए हमें पेपर को हाफ, ये A4 साइज है, मैं इसे हाफ कर दूंगी। ये देखिए, एकदम सेंटर से मैंने इसको हाफ कर दिया है, ये देखिए। और मैं इस पोर्शन पे, यहां से जिस तरह से खुलेगा, मैं इस पोर्शन पे इस पर पेंट करना शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, ये ईयरबड्स हैं, कुछ मैंने 8-10 ली हैं। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं। और इनको मैं एक साथ रेंडमली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ सीक्वेंस नहीं लगा रही हूँ, मैं रैंडमली इनको टाई कर रही हूँ। तो इनको मुझे एक साथ टाई कर देना है, कोई भी रबर बैंड लगा के, रबर बैंड ना हो तो धागे से भी बांध सकते हैं आप। तो इसको टाई कर देना है अच्छे से, देखिए, और इक्वल कर देना है, ठीक है। ये मैंने ये रबर बैंड लगा के ईयरबड की सेटिंग कर लिया। अब मैं कलर लगाऊंगी। कलर्स पहले मुझे ये, मैं इसकी जो भी ट्री बनाने जा रही हूँ मैं, तो पहले उसकी जो नीचे की परत, नीचे की जो वो जड़ होती है, डालियां होती हैं, पहले हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए ब्राउन कलर लिया है, और लाइट ब्राउन है मेरा कलर, इसलिए मैं उसमें हल्का सा ब्लैक भी मिक्स करूंगी ताकि वो और बेटर लगे। तो देखिए, मैंने ये मेरा ये स्टिक कलर बना दिया मैंने। अब मैं इसे कलर करूंगी, हल्का सा पानी ले सकती हूँ मैं इसमें, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही पानी लें, ज्यादा पानी ना लें, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी लेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा कलर। तो देखिए, मैंने यहां से ट्री का सेंटर पोर्शन बनाना शुरू किया। आप इसे फ्री हैंड भी बना सकते हैं, चाहे तो ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, पर ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको नीचे वाला पोर्शन ही ड्रॉ करना है, बाकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने ये पोर्शन इस तरह से कलर कर दिया है। अब हम इसे दूसरे कलर्स निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने कलर निकाले, मैंने ये रेड कलर लिया है, और ये थोड़ा मिक्स कलर है रेड एंड येलो का, जो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स नहीं किया है, बस थोड़े थोड़े टेक्सचर के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब हम ये जो ईयरबड है इसको यहां से ऐसे पकड़ेंगे सेंटर से, और डिप करेंगे, ये रेड कलर में डिप किया हमने, और हम इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, मैं लगभग सारी जगह फिल कर रही हूँ। आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई भी किड हैं आपके, बच्चे हैं, उनको शौक है कार्ड बनाने का, या फिर किसी को हैंडमेड कार्ड बना के देना चाहते हैं, तो आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना और बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। ये देखिए, मैंने रेड का टेक्सचर दे दिया हर जगह। अब मैं इसको येलो टेक्सचर दूंगी, जो मैंने बनाया हुआ था यहाँ। देखिए, येलो का शेड जो बना रहे हैं हम, हमने रैंडमली लिया है, और हम इसे सेम वे में इसको फिल कर देंगे। तो देखिए, कहीं कहीं रेड है, कहीं येलो है, कहीं ऑरेंजिश शेड आ रहा है, तो कितना प्रिटी लग रहा है। आप चाहें तो इसमें एक और शेड डाल सकते हैं, जैसे येलो, एग्जैक्ट येलो भी उठा के डाल सकते हैं, हम ट्राई करके देखेंगे अभी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका। ये हमारा पेंट जो है पूरा हो गया ईयरबड से। अब हम इसके हल्के से साइड में यहाँ ग्रास बनाएंगे,
जिससे कि वो और भी प्रिटी लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से ऐसे इसके ग्रास बना देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारा कार्ड बनके तैयार हो गया ऑलमोस्ट। इस पे हमें जिसका अगर नाम लिखना है, किसी का बर्थडे है कुछ है, तो हम उसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे से कवर करके थोड़ा और टेक्सचर ठीक से दे सकते हैं, और यहाँ पे चाहें तो थोड़े स्टोन्स टाइप्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये कार्ड बनके तैयार हो चुका है और ये अब सूख भी चुका है। मैंने ये अपकमिंग इवेंट फादर्स डे आने वाला है तो मैंने उसके लिए इसमें हैप्पी फादर्स डे लिख दिया है। आप चाहें तो किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे लिख सकते हैं, किसी को थैंक यू बोलना हो या कोई भी पर्पज हो ऐसा जिसके लिए उन्हें कार्ड देना हो तो आप आराम से बना के दे सकते हैं। इसको बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इफर्ट ज्यादा नहीं लगाने हैं और कुछ ड्रॉ नहीं करना है, तो इट्स वेरी इजी टू मेक। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी कोई टी शर्ट हो, व्हाइट टी शर्ट या कुछ भी ऐसा जिसपे आप चाहें कलर करना, तो आप फैब्रिक कलर से उस पर भी बना सकते हैं। मैंने इसकी एक टी शर्ट बनाई है जो बहुत प्यारी लगती है, तो आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मैं आपको उसको फोटो शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नए आइडिया के साथ मैं नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।